Redmi Note 9 5G सीरीज जो है चाइना में लॉन्च हो चुकी है और मैं बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ इस सीरीज के लिए। तो गाइस आज की इस वीडियो हम लोग इन दो फोन के मतलब कि Redmi Note 9 5G और Redmi Note 9 Pro 5G की अनबॉक्सिंग इस वीडियो में देखने वाले हैं। एंड आई थिंक कि गाइस ये इंडिया में Redmi Note 10 सीरीज के नाम से इंडिया में लॉन्च होंगे 2021 या फिर दिसंबर के लास्ट वीक में। सो गाइस विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गैस ये रहा हमारा Redmi Note 9 5G फोन जिसकी हम लोग करने वाले हैं अनबॉक्सिंग। तो गैस चलिए जल्दी से अपने इस बॉक्स को ओपन करते हैं। तो गैस बॉक्स ओपन करते हैं हम लोग, सबसे पहले लिखा जाता है हमारा फोन। तो ये जो ब्लूइश टोन लग रहा है, ये जो एक्वा कलर का ब्लूइश टोन लग रहा है, मुझे बहुत ही कमाल का लगता है। तो गैस देखते हैं बाकी बॉक्स कंटेंट लोग इसमें देखने क्या मिलते हैं। जिसमें हम लोग देखने को मिल जाता है टाइप सी डेटा केबल, और गैस हम लोग को इस फोन में फास्ट चार्जिंग सपोर्ट देखने को मिलता है। तो ये फोन हम लोग को 18 वॉट फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट देखने को मिलता है, और इसमें हम लोग को 5000 मिली एम्पीयर की बड़ी बैटरी कैपेसिटी देखने को मिलते हैं। तो जल्दी से निकालते हैं अपने फोन को। सो गाइस फोन का फर्स्ट इम्प्रेशन बहुत ही अच्छा देखने को लग रहा है आपको। ऑब्वियसली इसे पॉलीकार्बोनेट बैक केस देखने को मिलता है, जल्दी निकालते हैं अपने पीछे के स्पीकर को। सो गाइस जो कलर देखने में लग रहा है, जो एक्वा कलर का जो कॉम्बिनेशन है ना, ब्लू कलर का ब्लू स्टोन दिया हुआ मैट फिनिशिंग के साथ, ये बहुत ही तगड़ा देखने को मिल रहा है। नीचे हम लोगों को रेडमी की ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है, जो कि बहुत ही तगड़ी चीज़ है। इसमें ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिलता है, जिसमें 48 मेगापिक्सल का वाइड, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंड 2 मेगापिक्सल का मैक्रो सेंसर देखने को मिल जाता है, और चौथा हम लोग LED लाइट देखने को मिल जाती है। एंड गाइस लुक की बात करते हैं तो भाई साहब बहुत ही तगड़ा लुक दिया है। कैमरा का कटआउट इसमें 4 चांद लगा रहा है। डिस्प्ले की बात करते हैं गाइस, इसमें हम लोगों को 6.53 इंचेस की बड़ी IPS डिस्प्ले देखने को मिलती है, जिसमें 60 हर्ट्ज़ का सपोर्ट है, और फॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 प्रोटेक्शन देखने को मिलती है। पंचोल वाली आपको डिस्प्ले देखने को मिलती है, साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर आपको देखने को मिलता है, और ऊपर वॉल्यूम रॉकर्स देखने को मिल जाते हैं। दूसरी साइड आपको सिम ट्रे देखने को मिल जाती है, ऊपर आपको IR ब्लास्टर और सेकेंडरी माइक्रो होल का पोर्ट देखने को मिल जाता है। नीचे आपको स्पीकर ग्रिल 3.5 इंच जैक और टाइप सी का पोर्ट देखने को मिल जाता है। जल्दी से आप लोग फोन करते हैं। तो गैस फोन का इंटरफेस काफ़ी सही है, MIUI 12 आउट ऑफ द बॉक्स देखने को मिलता है एंड्रॉइड सपोर्ट के साथ। प्रोसेसर की बात करते हैं, इसमें मीडियाटेक का डायमेंसिटी 800U जो कि बहुत ही तगड़ा 5G प्रोसेसर है, वो आपको देखने को मिल जाता है। एंड गैस दैट्स इट, दिस इज द किलर फोन। तो गाइस ये रहा हमारा Redmi Note 9 Pro 5G का बॉक्स। तो गाइस इस बॉक्स में कुछ हाइलाइटिंग फीचर्स दिए हुए, जैसे 108 मेगापिक्सल का सेंसर आपको हाईलाइट किया गया, 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट की वो भी हाईलाइट किया। तो गाइस चलिए जल्दी से अपने इस बॉक्स को करते हैं ओपन। तो सामने देखने को मिलता है हमारा एक प्यारा सा बक्सा, और बक्से के अंदर हम लोग जानते हैं क्या मिलेगा हम लोग को, एक प्यारा सा ठीक ठाक सा TPU केस और यूजर गाइड मैनुअल जो कोई भी नहीं पढ़ता है। तो ये सब चीज़ें बॉक्स कंटेंट है। अब प्यार से निकालते हैं अपने इस प्यारे से स्टिकर को। तो स्टिकर्स काफ़ी कार्टूनिश और काफ़ी अच्छा देखने में लग रहा है, इसमें थोड़ा अलग थिंग दी गई है। बॉक्स के बाकी कंटेंट है 33 वॉट का फास्ट चार्जिंग का अडेप्टर और टाइप सी की केबल। और जो गैस इसमें जो येलो ऑरेंजिस टोन दिया हुआ है, जैसे रियल में हम लोग हमेशा येलो टोन देता है, बीच में काफ़ी अच्छा देखने में लग रहा है। तो गैस अब सब कुछ देखते हैं ये। तो आप सामने देख रहे हैं कि सारे बॉक्स कंटेंट है, सब कुछ छोड़ते हैं और उठाते हैं अपने प्यारे से फ़ोन को। तो फोन का बहुत ही प्यारा ग्रेडियंट लुक दिया हुआ है डिज़ाइन, आगे और पीछे गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन देखने को मिल जाती है, रेडमी के नीचे ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है, कैमरा का बहुत ज़्यादा नहीं दिया हुआ है। एंड गाइस जो ग्रेडियंट कलर ये जो दिया हुआ है काफ़ी अच्छा है। साइड हम लोगों को साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर और ऊपर वॉल्यूम लॉकर्स देखने को हम लोगों को इसे प्यार से मिल जाते हैं। ऊपर बात करते हैं तो इसमें हम लोगों को एक IR, रुकी जाए 2 मिनट, हाँ जो बड़ा वाला होल है
तो वो हम लोगों को IR ब्लास्टर देखने को मिल जाता है और दूसरा नॉइस कैंसलेशन माइक, आगे डिस्प्ले हम लोगों को एक स्पीकर ग्रिल देखने को हम लोग इसमें मिल जाती है और पंचोल कैमरा इसमें हम लोगों को देखने को मिलता है जो कि काफ़ी तगड़ा लुक प्रोवाइड कर रहा है। साइड हम लोगों को सिंग ट्रे देखने को मिल जाती है जो कि हाइब्रिड है, आपको डेडिकेटेड माइक्रो एसडी कार्ड पोर्ट नहीं देखने को मिलता है, स्पीकर ग्रिल, प्राइमरी माइक पोर्ट, टाइप सी पोर्ट एंड गाइस हमारा प्यारा दुलारा 3.5 mm हेडफोन जैक। तो ये रहा हमारा ओवर फिजिकल लुक। तो आप जो देख रहे हैं गाइस, ये जो सबसे बड़ा सेंसर दिख रहा है यही है हमारा 108 मेगापिक्सल का सबसे बड़ा सेंसर। तो गाइस जल्दी से अपने फोन को अप करते हैं हम लोग बूट। तो आउट ऑफ द बॉक्स इसमें आपको MIUI 12 का देखने को मिल जाता है। एंड गाइस जो डिस्प्ले जो दी है ये चिन काफ़ी सही मेंटेन की हुई है, लेकिन अगर थोड़ा चिन जो है अगर रियलमी X7 सीरीज के जैसे रखते तो काफ़ी अच्छा रहता, लेकिन तब भी ओवरऑल जो डिस्प्ले का रेशियो है या फिर जो आपको डिस्प्ले देखने को मिलती है वो काफ़ी बड़ी देखने को मिल जाती है। फ़ोन का वेट आपको 215 ग्राम्स देखने को मिल जाता है जो कि ऑब्वियसली थोड़ा वेटेड लगता है। सो चलिए अब फोन को हम लोग करते हैं अपने प्यारे फोन को सेटअप। तो जल्दी से गाइस लगाते हैं अपने अंगूठे को और देखते हैं फिंगरप्रिंट सेंसर इसका कितना फास्ट है। तो चलिए अब फिंगरप्रिंट सेंसर हम लोग का होने वाला है सेटअप। हो जा भाई। तो गाइस हो चुका है सेटअप, अब जल्दी से करते हैं फिंगरप्रिंट सेंसर की टेस्टिंग। क्या गाइस एक बार फिर से टैप। तो गाइस देख सकते हैं हम टैप करते ही फोन जो है वो तुरंत अनलॉक हो रहा है, तो जो कि आपको फिंगरप्रिंट सेंसर काफी फास्ट देखने को आपको इसमें मिल रहा है। गाइस अब चलिए जल्दी से ओपन करते हैं सेटिंग्स को और जानते हैं क्या क्या स्पेसिफिकेशंस को हम लोगों को देखने को मिल जाती है। तो इसमें एंड्रॉयड 10 आउट ऑफ द बॉक्स MIUI 12 के सपोर्ट के साथ आपको देखने को मिल जाता है। प्रोसेसर की बात करते हैं तो 750G यानी कि स्नैपड्रैगन की तरफ से आने वाला 750G जो प्रोसेसर है 765 स्लाइटली लोअर है, लेकिन तब भी आपको बहुत ही तगड़ी परफॉर्मेंस आपको देखने को मिल जाती है। UFS 2.2 का सपोर्ट देखने को मिल जाती है और जो कि हायर वेरिएंट में आपको देखने को मिल रहा है, लोअर वेरिएंट में आपको UFS 2.1 का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। तो ऑब्वियसली हायर वेरिएंट में कुछ कुछ का एडवांटेज आपको देखने को मिल जाएगा। बाकी बात करते हैं गाइस आगे, स्नैपड्रैगन 750G का प्रोसेसर देखने को मिल जाता है तो 347,997 का N2 बेंचमार्क स्कोर देखने को मिला है एंड 658 सिंगल कोर स्कोर एंड 1977 मल्टी कोर स्कोर देखने को मिल जाता है। तो कैमरा टेस्ट कर लेते हैं गाइस। तो कैमरा हम लोग को इससे बहुत ही ज़्यादा ऑसम देखने को मिलता है क्योंकि इसका कैमरा ही तो भाई हाईलाइटिंग फीचर है। इसमें 108 मेगापिक्सल का प्राइमरी, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड, 2 मेगापिक्सल डेप्थ और 2 मेगापिक्सल का मैक्रो देखने को मिल जाता है जो कि बहुत ही कमाल की बात है। तो गाइस अब जल्दी से लेते हैं एक आधी फोटो और देखते हैं क्या बात है। तो फोटो की क्वालिटी गाइस बहुत ही गजब की है, मतलब आप देख सकते हैं साइड बाई साइड की काफ़ी सही फोटो इसने निकाल के दी इस फोन ने। ऑब्वियसली भाई 108 मेगापिक्सल का कैमरा तो कहीं ना कहीं इसकी वर्थ इट रहेगी। लेकिन गाइस मजाक से हटकर ऑब्वियसली गाइस जो डिटेल्स में काम किया है इसमें बहुत अच्छे डिटेल्स आपको लेकर के दे रहा फोन। तो कैमरा सच में इन्होंने Xiaomi वालों ने अपने इस कैमरा में बहुत ही अच्छा काम किया हुआ है। सो गाइस अब जल्दी से देखते हैं कुछ अपने कैमरा सैंपल्स। तो ये हम लोगों का पहला जो निकल कर रहा है ये मैक्रो शॉट, तो एच अच्छे से ये डिटेक्ट कर रहा है। ये है हमारा HDR ऑफ शॉट, अगर HDR ऑन करते हैं तो हम लोगों को इसको ऐसा देखने को मिलता है। ये है 0.6x जूम, 1x जूम, 2x जूम, 3x जूम। ये है हमारा कुछ 108 मेगापिक्सल का और एक नॉर्मल मोड का कैमरा साइड बाय साइड देखते हैं। ये हम लोग इसमें डेडिकेटेड नाइट मोड देखने को मिल रहा है, तो नाइट मोड ऑफ और ये नाइट मोड ऑन है। ये हम लोग को लॉन्ग एक्सपोजर शॉट है, ये है एक्सट्रीम डिम लाइट और इसमें देखे फोटोज बहुत ही प्यारी निकाल के दे रहा है। अल्ट्रा वाइड में भी हम लोग को नाइट मोड देखने को मिला जो कि बहुत ही कमाल की बात है। ये है 0.6x जूम, 1x जूम, 2x जूम एंड दिस इज द 3x जूम एंड ऑब्वियसली गाइस इसमें हम लोग 10x जूम भी बहुत ही कमाल की फोटो निकाल करके दे रहा है। सो गाइस आई होप आपने अनबॉक्सिंग देखकर के बहुत ज्यादा एंजॉय किया होगा। तो गाइस जल्दी से बातें कंक्लूड करते हैं और क्या क्या मुझे इसे प्लस पॉइंट लगा इस सीरीज से और क्या क्या ये लोग इम्प्रूव कर सकते थे और क्या प्राइस होने वाली इस सीरीज की, वो सारी चीजें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। सो पहली बात करते हैं हम लोग Redmi Note 9 5G सीरीज के बारे में। तो इसमें गाइस हम लोगों को 6.53 इंचेस की बड़ी IPS LCD डिस्प्ले देखने को मिल रही है, लेकिन हालांकि इसमें कोई भी हायर रिफ्रेश रेट सपोर्ट देखने को नहीं मिलता जो कि मुझे कहीं ना कहीं इसमें ड्रॉबैक लगा है। अगर ये लोग 90 हर्ट्ज भी दे देते तब भी बहुत अच्छी बात थी, लेकिन कंजूसी कर गए हैं।
दूसरी चीज, ये सब प्रोसेसर जो हम लोगों को बहुत ही ज्यादा अच्छा देखने को मिलता है वो है मीडियाटेक की तरफ से आने वाला डायमेंसिटी 800U, जो कि एक अच्छा प्रोसेसर है, 5G प्रोसेसर है, और आप कमाल की परफॉर्मेंस आपको ये ऑफर करने वाला है। कैमरा सेटअप की बात करते हैं, जिससे हम लोग 48 मेगापिक्सल का वाइड, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंड 2 मेगापिक्सल का मैक्रो दे दिया है। अगर मैक्रो ना देते तब भी काम चलता, लेकिन तब भी ठीक है। ट्रिपल कैमरा सेटअप हम लोगों को इसे देखने को मिलता है। फ्रंट पे हम लोगों को 13 मेगापिक्सल की सेल्फी देखने को मिलती है। बैटरी कैपेसिटी की बात करते हैं, बैटरी भी काफी डिसेंट दी हुई इन्होंने, 5000 mAh की आपको बड़ी बैटरी कैपेसिटी देखने को मिलती है, जिसमें हम लोगों को 18 वॉट की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट देखने को मिलता है। अगर थोड़ा और ज्यादा दे देते जैसे कि 20 या फिर 33 वॉट तब भी चलता। तो ओवरऑल अगर ये फोन देखा जाए तो 15,000 के अप्रोक्स अगर आसपास आता तो फोन ये बहुत ही ज्यादा अच्छा है। और आई थिंक इसको, ये जो सीरीज है रेडमी की, ये तभी लॉन्च करेंगे ये लोग इंडिया में जब Realme X7 सीरीज जो अपनी लेकर के आएगा। सो स्टे ट्यून्ड, ये बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। सो गाइस, अब बात करते हैं Redmi Note 9 Pro 5G के बारे में। तो ये फोन बहुत ही ज्यादा ऑसम है, तो जल्दी से स्पेसिफिकेशंस के बारे में इसकी बात करते हैं। जिसमें हम लोग 6.67 इंचेस की बड़ी IPS डिस्प्ले देखने को मिल रही है, जिसमें हम लोग 120 Hz का रिफ्रेश रेट देखने को मिल रहा है, जो कि बहुत ही कमाल की बात है। प्रोसेसर इसमें हम लोग बहुत ही अच्छा देखने को मिलता है, जो कि है स्नैपड्रैगन की तरफ से आने वाला 750G, जो कि एक 5G डिसेंट प्रोसेसर है। हर एक चीज आपको टॉप एंड की देने वाला है, जिस प्राइस सेगमेंट ये फोन इंडिया में लॉन्च होगा। अब बात करते हैं कि इसकी बैटरी कैपेसिटी कितनी देखने को मिलती है। इसमें हम लोग को 4820 mAh की बैटरी कैपेसिटी देखने को मिलती है। बैटरी डाउन कर दी तो चार्जिंग, फास्ट चार्जिंग हम लोग को दे दी है, 33 वॉट की हम लोग इसमें फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट देखने को मिलता है। अब गाइस, सबसे बड़ी बात इसका कैमरा, इससे हम लोग को 108 मेगापिक्सल का वाइड एंगल दिया, यानी बहुत ही तगड़ी फोटो देखने वाले हैं। 8 मेगापिक्सल का हम लोग इसमें अल्ट्रा वाइड, 2 मेगापिक्सल का मैक्रो एंड 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर देखने को मिलता है। तो कैमरा में इन्होंने गैस कमाल ही कर दिया, जिस प्राइस अगर 20,000 के अंडर या 20,000 के अप्रोक्स अगर 108 मेगापिक्सल कैमरा देखने को मिला, तो जो कि बहुत ही अच्छी बात है। फ्रंट की बात करते हैं, जैसे हम लोग को 16 मेगापिक्सल की सेल्फी देखने को मिलती है, और सेल्फी आपको बहुत ही अच्छी देखने को मिलने वाली। तो ओवरऑल अब बात करते हैं कि इस फोन के रिगार्डिंग मेरे क्या ओपिनियन है। आई एम स्पीचलेस गाइस, डबल थम्स अप, बहुत ही तगड़ा फोन है। बस अब बात करते हैं आप प्राइस, तो प्राइस अगर अप्रोक्सीमेटली 20,000 to 21,000 के अप्रोक्स अगर ये फोन लॉन्च होता है, तो दिस विल बी अ रिवोल्यूशनरी फोन इन इंडिया। सो गाइस, जल्दी से सारी चीजें हम लोगों ने अपनी कंक्लूड कर ली। तो अगर वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो कर दीजिएगा लाइक, चैनल को जरूर से जरूर कर दीजिएगा सब्सक्राइब। एंड आई एम सो सॉरी कि मैं वीडियो थोड़ा लेट डाला, क्योंकि गाइस मैं थोड़ा बाहर था तो मैं वीडियो नहीं बना पाया। तो जैसे जल्दी आया, जल्दी जल्दी मैंने वीडियो शूट किया और आपके लिए डाल दिया है। एंड गाइस, अगर आपको और जानना है कि Redmi Note 9 5G सीरीज जो चाइना में लॉन्च हुई है, उसमें क्या अप्रोक्सीमेटली, मतलब कि एग्जैक्टली क्या होता है, उसकी सारी समरी, और जो एक फोन छूटा जा रहा है Redmi Note 9 4G जो एक अलग से लॉन्च किया है, अगर उसके बारे में भी आपको जानना, तो मैं अगला वीडियो उसी के बारे में डालने वाला हूँ। तो चैनल को जरूर जरूर कर दीजिएगा सब्सक्राइब। एंड गाइस, ये फोन जो है बहुत ही अच्छे हैं, तो दोस्तों के साथ जरूर से भाई प्लीज यार शेयर कर देना। तब तक लिए मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।